तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास जो है, आज स्टूडेंट के साथ में मेरी क्लास नहीं होगी। आज संडे है तो संडे के दिन में एक वीडियो शूट कर रही हूँ। तो जैसे कि कस्टमर का कपड़ा जो है आया हुआ है मेरे पास चैन लगाने के लिए, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को एग्जांपल के लिए मतलब दिखा दे रही हूँ कि किस तरह का कपड़ा जो है आया हुआ है। तो देखिए, इस तरह का बेबी फ्रॉक है जो आया हुआ है चैन बिठाने के लिए। तो कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है, बहुत ही प्यारा है। लेकिन कहते हैं ना, चैन की वजह से ख़राब हो गया ये ड्रेस। अब ये चैन की फिनिशिंग जो है वो मैं खुद करके देने वाली हूँ। तो देख सकते हो, चैन बिल्कुल भी इसका फेल हो चुका है, मतलब ख़राब हो चुका है। अब इसको मैं खोल के नया चैन बिठाने वाली हूँ। तो यहाँ पे हमने ब्लैक चैन जो है रखा हुआ है, ये वाला जो चैन है इसको कटिंग करके मैं इसमें लगाऊंगी। और वो भी कैसे मैं लगाती हूँ वो भी सब मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। फ्रेंड्स, कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बस काम करने वाले की हिम्मत होना चाहिए, है ना। मुझे लोग कहते हैं कि आप इतना सब कुछ मतलब बहुत करती हैं, इतना मेहनत क्यों करती हैं, क्या इतना नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं कहती हूँ, मेरे अल्लाह मुझे एक रास्ता दिखा रहा है तो क्यों ना हम उस रास्ते पर जाएँ। कोई नेक काम कर रहे हैं, कोई गलत तो करते नहीं हैं, ठीक है। और मैं तो जितना हो सकता है उतना मैं लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ, चाहे वो 10 रुपये का काम क्यों ना हो, ठीक है। हमारे साथ बने रहिए, और इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी नोटिफिकेशन जो भी है आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं। ये सबसे पहले मैं निकाल लेती हूँ फ्रेंड्स, यही हुक मैं बाद में लगा दूँगी इसमें, ये मेरे काम आ जाएगा। इसी में मैं यही वाला हुक बैठा दूँगी, दूसरा हुक नहीं लगाऊँगी। अब ये जो हमारा चैन है इसको हम निकाल देते हैं। सिलाई जो है हमने इतना तोड़ लिया हुआ है फ्रेंड्स, उसके बाद क्या करेंगे, इधर की सिलाई ये वाला जो है इसको हमें यहाँ से सिलाई इसकी खोलनी पड़ेगी, उसके बाद ये चैन निकाल लेंगे। इसको ऐसे खींच के नहीं तोड़ना, नहीं तो ये फट जाएगा। तो सबसे पहले सिलाई खोलना है, ओके। अभी हमारी सिलाई जो है खुल चुकी है, अब ये थोड़ा सा ऐसा खींचेंगे तो ये निकल जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, ऐसे करके निकाल देंगे पूरा। दूसरा वाला जो चैन है इसको पकड़ के ऐसे खींच देंगे, ये अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। ये निकल गया, ये चैन जो है हमने निकाल दिया हुआ है, जो कपड़ा इसका निकल गया है उसकी सिलाई मारेंगे। तो चलिए हमारे साथ मशीन पे। इसी वाला चैन ले लेती हूँ, इसके मैचिंग का धागा लेती हूँ, कैंची लेती हूँ, फिर चलते हैं मशीन पे, ओके। धागा वगैरह जो है मैचिंग का लगा लिया हुआ है, अब मैं चलती हूँ सिलने के लिए। तो जो यहाँ पे कपड़ा हमारा निकल चुका है, पहले इसकी मैं सिलाई लगाऊंगी, उसके बाद मिलती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इंची टेप से माप लेंगे, तो ये कितना है, 9.5 इंच है। अब 9.5 इंच पे मैं कटिंग करूँगी ये जो चैन है हमारा। तो यहाँ नीचे से मैं लेने वाली हूँ 9.5 इंच, जहाँ पर आएगा ये देखो यहाँ पर आ रहा ना 9.5 इंच। तो मैं क्या करूँगी, चैन को ऐसे इस तरह से नीचे ले लूँगी, ऐसे ऐसे करके, और 9.5 इंच पे मैं मार्किंग करती हूँ, माप लेती हूँ ऐसे कहाँ पे आ रहा है। 9.5 इंच इधर आ रहा है, तो मैं क्या करूँगी यहाँ से कट लगा दूँगी, ठीक है। ऐसे कट लगा देती हूँ इधर, थोड़ा सा मैं बड़ा ही ली हूँ चैन को। मैं सबसे पहले ये देखो, ये वाला जो चैन है ऊपर साइड में रखेंगे, यहाँ पर कपड़े के अंदर हमने मोड़ लिया है। अब इसको दबा के इसी तरह से हमें इसी पे सिलाई लगा देनी है, इस तरह बराबर करके, ठीक है, इस तरह, इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे ऐसे लगा लेंगे। यहाँ पे देखिए हमारी सिलाई जो है इतनी लग चुकी है। अब नीचे साइड में सिलाई लगा लेंगे हम इसके नीचे भी। तो चैन को हम सीधा करते जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर लेंगे अभी, यहाँ से हमें इस तरह से लगा लेना है सिलाई। अब इधर से हम टन ले लेंगे फ्रेंड्स, तो टन हमें इस तरह से लेना होता है बड़ी फिनिशिंग के साथ में, ताकि जो कपड़ा है हमारा सिकुड़े ना। तो यहाँ पे मैंने टन ले लिया हुआ, अब वापस हम धाप को ऊपर करेंगे और यहाँ से कपड़े को फिराएँगे, और फिर से वापस हम इस तरफ आएँगे सिलाई लगाते हुए, इस तरह जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। आप इस तरह लगाएंगे, बहुत अच्छी सिलाई लगेगी इंशाल्लाह। कपड़े को सीधा करते जाएं और अपनी जीप जो है हमारा चैन मतलब उसको भी बीच में रख के और अच्छे से सिलाई लगाएं। तो यहाँ पे देख सकते हो फिनिशिंग के साथ जो है हमारी चैन बैठ रही है। अभी हम पूरा लगा देंगे इसी तरह से, थोड़ा सा जिप को हम और ऊपर कर लेती हूँ। इतना चैन हमने लगा लिए है,
अब इसको हम ऊपर करेंगे और इस जीप को अपने पीछे करने वाले हैं, इस तरह पीछे कर देंगे खींच कर। अब यहाँ पे सिलाई लगाना हमारा और भी आसान हो जाएगा। इस तरह घाप को नीचे छोड़ेंगे और देखिए इस तरह ऐसा रखेंगे ऐसे, और चैन को इस तरह इसी के अंदर हम फिक्स कर देंगे। ये देखिए हमने चैन को किस तरह से इसके अंदर फिक्स कर दिया हुआ है, सफाई के साथ, दिखना नहीं चाहिए बिल्कुल भी चैन हमारा। जिस तरह से हमने रखा हुआ पकड़ कर, आप उस तरह से रखें। अब इसी पे हमें ऐसे करके डबल सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे हमारा लॉक हो चुका है सिलाई, तो देखिए मैंने किस तरह से चैन बिठाया है फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो। ये देखिए कितना फिनिशिंग के साथ आया हुआ है, यहाँ पे बिल्कुल भी छोटा बड़ा बिल्कुल भी नहीं हुआ है, और परफेक्ट चैन जो है हमारा लग चुका है। जो हमारा सूट वगैरह धागे का है, कपड़े में पहले से ये जो धागा था लगा हुआ, उसको हम खींच के निकाल देंगे ये सब। हाँ देखिए कैसी फिनिशिंग के साथ आई है, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। अब इसका जो हुक का काम है वो भी हम कर लेते हैं, और ये जो साइड की सिलाई है इसको हम इस तरह से रखेंगे इसी के ऊपर, और इसको भी हम ऐसे करके और सिलाई लगा देंगे ऐसे करके। कपड़े को अंदर से धागा वगैरह सब अंदर डाल देंगे इसके, और इसी पे हम चला देंगे सिलाई। कपड़ा हमने खोल के रखा हुआ था, इस पर हम सिलाई चला देंगे साइड में इस तरह से, और यहाँ पे लाके हमें इसे लॉक कर देना है इस तरह। ये देखिए ये हमारा सिलाई लग चुका है फिनिशिंग के साथ में, देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। अब हमने पूरा लॉक कर दिया, इधर का भी मैं लॉक कर लूँगी। चैन हमारी जो है फ्रेंड्स लग चुकी है, तो देख सकती हूँ मैं इस तरह से लगा के आप लोगों को दिखाती हूँ। अब ये यहाँ पे मैंने लॉक करके दोनों तरफ जो है सिलाई लगा दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम सिलाई को लगा के और ये जो नीचे का कपड़ा है उसको हम दबा देंगे फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं इस तरह से, और इसे हम इस तरह लॉक करेंगे। तो यहाँ की सिलाई जो है हमारी लग चुकी, देखिए यहाँ पे सिलाई लग चुकी है। इस तरफ भी देखिए मस्त फिनिशिंग आई हुई है, और इसी तरह से हमें इसको भी लॉक कर देना है। थोड़ा सा जीप को हम नीचे लेते हैं, और यहाँ से अब इसको भी मैं लॉक करूँगी। ऐसे पकड़ना है आपको, और पहले इसे लॉक करना है दो बार तीन बार, आप जैसा चाहें इस तरह से लगा दें। तो देखिए हमने सिलाई चला दिया हुआ है, यहाँ निकाल देंगे हम। देखिए हमारी फिनिशिंग हो चुकी है। आज संडे था, संडे के दिन मैंने ये काम किया हुआ, जब मेरी छुट्टी होती है क्लास की फिर मैं कपड़ा सिलने का काम करती हूँ फ्रेंड्स, तो मैं सब कुछ करती हूँ। तो देखिए हमारा चैन जो है माशाल्लाह से लग चुका है, फिनिशिंग देखिए कितना बेहतर आई हुई है। अब हम क्या करेंगे, इसकी जो हुक है हमने खोल के निकाला हुआ था उसको हम लगा लेते हैं। तो चलिए मिलते हैं काउंटर पे, मैं हुक को लगा लेती हूँ फ्रेंड्स पहले। तो देखिए किस तरह से हुक लगाते हैं, मैं इस तरह लगाती हूँ। कपड़े के मैचिंग धागा लेना ज़रूरी है, ये अच्छा रहता है। अलग कपड़े का धागा हो, मतलब अलग कलर का धागा जो रहेगा तो अच्छा नहीं दिखता है। और इस तरह से दो बार ऐसे लगा दें, और यहाँ पर अंदर से सिलाई मार के इसको लॉक कर दें इस तरह, जैसे कि हमने करा है। ये मजबूत सिलाई लग जाती है फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस दो बार इधर से लगा लें, इसकी जो छेद है इसमें दो बार लगा दें, और दो बार इधर वाले छेद में लगा दें ऐसे, इधर ये वाला जो है यहाँ पर। तो ये हमारा हुक जो है सेट हो जाता है, हिलता नहीं है जगह पर से, ये परफेक्ट लग जाती है। देखिए हमने किस तरह से लगाया, अब इसको हम लॉक कर देंगे तीन बार ऐसे, मतलब मैं धागा इसके अंदर डाल के इसको फिट करके, ये देखिए लॉक कर दिया हुआ है। अब ये हिलेगा नहीं, बिल्कुल भी मजबूत हो चुका है। अब इसके यहाँ पे बाजू में पहले मैं गांठ लगाती हूँ, उसके बाद मैं दूसरा वाला जो है यहाँ पे लगाएंगे फ्रेंड्स। देखिए ये वाला जो है, और ये हमने बाहर से नहीं ख़रीदा हुआ है, इसी कपड़े में ये हुक हमारा लगा हुआ था, उसी को मैंने चेन में से निकाल लिया हुआ है, और इसी को मैं लगा के दे दूंगी। मैंने बिल्कुल भी अपने तरफ से नहीं लगाया हुआ है,
क्योंकि ये नया है। यहाँ पे इस तरह से आप इसको फिक्स कर दें एक जगह पे, हिले ना, बस हिलना नहीं चाहिए। इस तरह से आप फिट करें और इसको थोड़ा सा बाहर रखें ऐसे, जिसमें हम अपना जो हुक है इसमें फंसा सकें, इतना बाहर रखें, बाकी का सब लॉक कर दें जैसे कि मैं कर रही हूँ। देखिए यहाँ पर हमारा हुक भी लग के रेडी हो चुका है फ्रेंड। अब इसको भी हम लॉक कर दिए हैं। देखिए धागा को मैं तोड़ के निकाल देती हूँ, धागा वगैरह दिखाई दे रहा है इधर, उसको हम काट के निकाल देंगे फिनिशिंग के साथ में। अब देखिए इस तरह से इसमें फंसा देंगे, देखो बाहर से दिखता भी नहीं है हमारा हुक, हाँ, और हमारी फिनिशिंग के साथ में चैन भी लग चुकी है। अब यहाँ से देखिए फिनिशिंग बाहर से कितना खूबसूरत दिख रहा है। आप इस तरह से लगाएंगे तो आपके पास कस्टमर आएंगे, और देखिए अब यहाँ पे जैसे उन्होंने दिया हुआ था वैसे ही हम दे देंगे उनको करके। अब ये हमारी नाड़ी है, ये देखिए इस तरह से, मतलब पहले कितना बेकार दिख रहा था, अब कितना खूबसूरत लग रहा है ना। चैन की वजह से बेकार हो जाता है, इसीलिए चैन हमने इसमें अब बिठा दिया हुआ है, किसी भी कस्टमर को नाराज नहीं करने का। तो मैंने लगा लिया हुआ है चैन, देखिए बताइए मुझे कैसा लगा है। ये जो हमारा इसका पैसा हमको मिला हुआ है तो हम डालेंगे निगल। तो हमारे जो सिलाई के पैसे हैं हमने इसमें जमा करके रखते हैं। देखिए अभी हमने इतना रखा हुआ है जमा करके, दिखाई दे रहा है, दिखता है। तो इसको हम बंद करके रखेंगे, अभी तक इसमें हमने लॉक भी नहीं लगाया हुआ है अभी तक। हमारा ऐसा ही है क्योंकि इसका लॉक लाने की मुझे टाइम ही नहीं मिलती है कि ले आऊँ।